नमस्कार। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले एक साल से जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन अंततः खत्म होने की कगार पर है, लेकिन क्या इस विरोध प्रदर्शन के खात्मे के साथ ही केंद्र सरकार की मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी? बहरहाल अब तक जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उससे आशंका यही है कि नहीं। आने वाले दिनों में इस विरोध प्रदर्शन के खात्मे के साथ ही कुछ नए मोर्चे खोले जा सकते हैं। जिस तरीके से कृषि कानूनों पर सरकार झुकी है उसको देखकर मोदी विरोधी और जो प्रदर्शनकारी हैं वो उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि एक इनविंसिबल दिखने वाली सरकार, एक अजय दिखने वाली सरकार को भी झुकाया जा सकता है। लिहाजा उत्साहित मोदी विरोधी अब दूसरे मुद्दे की तैयारी में है कि कैसे एक CAA कानूनों के विरोध के बाद जिस तरीके का माहौल खड़ा किया गया था जामिया और शाहीनबाग के इलाकों में, उसके बाद उसको तब्दील किया गया किसान कानूनों के विरोध प्रदर्शन के जरिए, अब इस गुस्से को, इस विरोध के माहौल को लगातार बनाया जा सके, इसको सस्टेन रखा जाए, इसके लिए अगला मुद्दा क्या हो सकता है, इसके लिए मूड भांपने की तैयारियां लगातार जारी है। बहरहाल जिस तरीके से सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया और अब बाकी बची मांगों पर भी जिस तरीके से सरकार झुकी है उससे कहीं ना कहीं मोदी विरोधी मोर्चे जो खेमे हैं उनमें जबरदस्त उत्साह है। हाल में संसद ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और प्रदर्शनकारी जो थे वो विरोध पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि MSP की भी गारंटी दी जाए। बहरहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सरकार ने एक मसौदा संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा है। इस मसौदे की जो खबरें हैं उसको देखकर लगता है कि सरकार तमाम मांगे चुपचाप मानने को तैयार है। तीन मुख्य मांगे हैं। MSP की गारंटी बनाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कही है एक मसौदे में, और उस कमेटी में 5 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के भी होंगे। यानी MSP किस तरीके से निर्धारित की जाए, उसके क्या क्या प्रावधान हो, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी उसको तय करेंगे। दूसरी मुख्य मांग, पिछले एक साल में विरोध प्रदर्शन के दौरान अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज हुई थी, क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे, उन केसेस को वापस लेने की तैयारी भी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में एक समय सीमा तय की जाएगी और उस तय समय सीमा के अंदर धीरे धीरे हर एक जगहों पर तमाम केसेस को वापस ले लिया जाएगा। तीसरी मुख्य मांग, इस प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई थी, उनकी मौत हुई थी, उन प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने की बात भी, मांग भी लगातार संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाई थी, उस मांग को भी मसौदे के जो प्रावधान है उसके तहत इन मांगों को भी केंद्र सरकार मान सकती है। यानी पूरी तरह से इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार झुकने को तैयार है। जाहिर है जो विरोधी हैं वो तो उत्साहित होंगे ही, लिहाजा अगला मुद्दा कौन सा हो सकता है जिसको लेकर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं घुटनों पर लाया जा सके। एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको जो मोदी विरोधी है वो लगातार एकजुट जिस पर हो सकते हैं वो है आर्टिकल 370 का मुद्दा। लिहाजा उसको लेकर मूड भापने की तैयारी लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती दिल्ली में हैं और वो दिल्ली में लगातार अलग अलग कार्यक्रम के जरिए वो इस तरह का मूड भापने की तैयारी कर रही है कि आर्टिकल 370 को लेकर एक नया विरोध प्रदर्शन, एक नया आंदोलन खड़ा किया जा सके। पिछले 2.5 साल में वो जम्मू कश्मीर में तो पूरी तरह से नाकाम रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को लगता है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे मोर्चे हैं जो कि उनकी मदद कर सकते हैं और उस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बार्गेनिंग की जा सकती है। लिहाजा पहले 2 तारीख को PDP एक इंटरनल न्यूज लेटर अपने कार्यकर्ताओं को जारी करती है जिसमें उसका टाइटल लगते हैं स्पीक अप। पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का ही समर्थन नहीं मिला कि किसी तरह का आंदोलन वो जम्मू कश्मीर में खड़ा कर पाए, लिहाजा उन्होंने एक इंटरनल एक कोशिश शुरू की है कि एक न्यूज लेटर जारी किया जिसमें उसने कोशिश की कि अपने कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरा जाए। उसके बाद वो दिल्ली आती है 4 तारीख को एक आज तक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम एजेंडा में वो शामिल होती है, यहां पर भी कुछ इसी तरह की बातें होती हैं। 6 तारीख को जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती बैठती हैं जंतर मंतर पर। हालांकि जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि मात्र 8 से लेकर 10 लोग ही महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे हैं, लेकिन यहां पर भी मीडिया को बुलाया जाता है और यहां पर भी इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश लगातार की जाती है। 6 तारीख को 7 तारीख को फिर से
इंडियन विमेंस प्रेस कोर जो है, जो उसका प्रेस क्लब है, उस क्लब में महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जाहिर है जो वहां पर उसको बुलाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है एक तय डिजाइन के तहत, और फिर से वहां पर इसी तरह की बातें होती हैं, आर्टिकल 370 की बातें होती हैं, जम्मू कश्मीर की बातें होती हैं, आर्मी के अत्याचारों की बात होती है, तो इस मुद्दे को फिर से उछालने की कोशिश है। धीरे धीरे आर्टिकल 370 के मुद्दे को हवा में छोड़ने की कोशिश है, सोशल मीडिया पर एक तरह की बहस शुरू की जा रही है। ये कोशिश है मूड को भापने की। क्या ये दिल्ली में संभव है? जाहिर है अब तक इस तरह की जिस तरीके से लगातार कोशिश जारी है, अब तक तो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, लेकिन एक तरीके से शुरुआत जरूर हो चुकी है। और ये चीज जो महबूबा मुफ्ती के धुर विरोधी हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका भी पता है, उन्होंने भी 5 तारीख को अपने पिता शेख अब्दुल्ला की जो डेथ एनिवर्सरी है उसमें एक भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कमोबेश कुछ इसी तरह के शब्दावली में स्पष्ट तौर पर कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि किसानों ने जिस तरीके का बलिदान दिया, उसी तरीके का बलिदान भी जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, कार्यकर्ताओं को देना होगा। यानी फारूक अब्दुल्ला भी एक तरह की कोशिश वहां पर मूड भावने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे को जितना हो सके संभव उसको उछालने की कोशिश धीरे धीरे कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महबूबा मुफ्ती भी कोशिश करेंगे, फारूक अब्दुल्ला भी करेंगे, क्या यहां पर उनको वो समर्थन मिल पाएगा? तो मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि कतई नहीं। 2.5 साल जैसा लंबा वक्त बीत चुका है, मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, हमने देखा कि सीए का प्रदर्शन हो या फिर किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लीनियंसी दिखाई है। इस मामले में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार से लेकर जो यहाँ जनता है, किसी तरह का जन समर्थन उनको नहीं मिलेगा। ये बहुत मामूली एक नेटवर्क है जो उनको लगता है कि आर्टिकल 370 की वापसी की जा सकती है, संभव ही नहीं। संसद भी चाहे तो अब धीरे धीरे आसान दिखाई नहीं देता, और आसान नहीं दिखता ये बात हमने हाल फिलहाल में कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के मुंह से भी सुना होगा। उन्होंने बता दिया कि भाई 2/3 समर्थन चाहिए संसद में इस कानून को वापस लाने के लिए, जो आने वाले दिनों में नहीं संभव है। यानी एक कोशिश जरूर जारी है, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल है। लेकिन फिर से वही बात कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। एक इनविंसिबल दिखने वाली सरकार, ऐसा लग रहा था कि सरकार बेहद मजबूत है, कृषि कानूनों को लेकर पीछे एक कदम भी नहीं हटाएगी, किसानों को हित को लेकर पीछे कदम नहीं हटाएगी, लेकिन अंततः सरकार झुकी। उसी जो संभावना है उसका फायदा उठाने की कोशिश में मोदी विरोधी लगे हुए हैं। बहरहाल जो आगे होगा देखते रहिए, हम आपको आगाह करते रहेंगे। नमस्कार।